हेलो गाइस, स्वागत है आपके हमारे चैनल में इसका नाम द बी स्पोर्ट्स। यहां पर मिलता है फुटबॉल से लेटेस्ट सेट ट्रांसफर इन द ट्रांसफर रूमर्स। तो सुबह का वीडियो पेरा किस तरीके, तो सबसे पहला जो न्यूज आ रहा है वो मुंबई सीएफसी की तरफ से। तो मुंबई सीएफसी के जो प्लेयर थे अनवर अली, जिनको लास्ट सीजन कोई मौका नहीं मिला था उतरा, तो उन्होंने ऑफिशियली साइनिंग करवा लिया है मोहम्मदन एफसी के साथ। वह एक मोहम्मदन एफसी के प्लेयर है एंड मोहम्मदन एफसी के लिए ये बहुत ही बढ़िया साइनिंग है, क्योंकि अनवर अली बहुत ही यंग डिफेंडर है। उनका एज है बस 20 एंड वो सेंट्रल बैक पोजीशन में खेलते हैं एंड अनवर अली को आई थिंक प्ले टाइम मिलना चाहिए था, क्योंकि यंग प्लेयर है एंड आई थिंक अगर उनको प्ले टाइम नहीं मिलेगा तो उनका गेम उतना डेवलप नहीं हो पाएगा। तो आई थिंक ये अनवर अली की तरफ से काफी बढ़िया डिसीजन वो मोहम्मदन एफसी में जाए एंड मुझे लगता है कि सही किया है एंड मोहम्मदन एफसी के लिए भी काफी बढ़िया साइनिंग, क्योंकि उनको एक अच्छा सेंट्रल बैक मिल गया है। सो जो नेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है चेन्नई एफसी की तरफ से। तो चेन्नई एफसी ने ऑफिशियली रिटेन करवा लिया जर्मनप्रीत सिंह को। अब कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हुआ है वो भी ऑफिशियल नहीं है, शायद एक या दो साल का हुआ होगा, बट हाँ रिटेन हो चुके हैं जर्मनप्रीत सिंह जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चेन्नई एफसी के डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन में, क्योंकि वो एक्चुअली जर्मनप्रीत सिंह चेन्नई एफसी के मेन टीम के प्लेयर है एंड डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन में जर्मनप्रीत सिंह काफी बढ़िया खेलते हैं एंड मुझे लगता है ये रिटेन करना जर्मनप्रीत सिंह को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था चेन्नई एफसी के लिए, क्योंकि उस पोजीशन में चेन्नई एफसी के पास उतना कुछ ऑप्शन है नहीं करेंटली एंड जर्मनप्रीत सिंह एक काफी बढ़िया इंडियन प्लेयर है एंड डेफिनेटली आपको इंडियन प्लेयर्स भी खिलाने, सो जर्मनप्रीत सिंह मुझे लगता है काफी बढ़िया ऑप्शन है सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन में एंड डेफिनेटली जर्मनप्रीत सिंह प्लेयर तो बढ़िया है ही एंड मुझे लगता है कि इस साल उनका परफॉर्मेंस अच्छा ही रहेगा। अब देखते हैं इस साल उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है चेन्नई एफसी का। ओके, सो जो नेक्स्ट आ रहा है वो मुंबई सीएफसी की तरफ से। तो कल मार्कस उन्होंने ये बोला कि एडम ले फोंड्रे का चांस मुंबई सीएफसी के लिए अब ज्यादा है, वो मुंबई सीएफसी में आ सकते हैं बट और कोई दूसरे क्लब में उनके जाने के चांसेस कम है क्योंकि उनका एक वेज तो एक फैक्टर है ही, बट मुंबई सीएफसी काफी आगे है एडम ले फोंड्रे को साइन करवाने के लिए। एडम ले फोंड्रे इस साल का अभी तक तो सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर है एंड काफी बढ़िया प्लेयर है एडम ले फोंड्रे, बहुत अच्छे प्लेयर है एंड मुझे लगता है कि अगर ओगुबेचे या फिर कोरो में से कोई एक प्लेयर या फिर दोनों ही प्लेयर अगर मुंबई सीएफसी में नहीं आते तो मुझे लगता है एडम ले फोंड्रे बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है एंड आई थिंक ओगुबेचे या फिर कोरो के बदले अगर मुंबई सीएफसी एडम ले फोंड्रे के ऊपर जाते खरीदने के लिए तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि एडम ले फोंड्रे एक काफी बढ़िया प्लेयर है एंड अगर मुंबई सीएफसी एडम ले फोंड्रे का साइनिंग करवा पाते कंप्लीट तो डेफिनेटली एक बड़ा साइनिंग होगा मुंबई सीएफसी के लिए। अब देखते कि मुंबई सीएफसी साइनिंग कंप्लीट करवा पाते हैं या नहीं, चांसेस हैं, चांसेस अभी के लिए तो थोड़ा सा ज्यादा ही है बट देखते कि साइनिंग कब तक कंप्लीट होता है। सो जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है वाला संजीव स्टालिन को लेकर। तो संजीव स्टालिन जो कि इंडियन प्लेयर है उनको मौका मिला है पुर्तगीज के थर्ड डिवीजन क्लब में खेलने का एंड एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम नहीं, इससे पहले भी वो स्पेनिश थर्ड डिवीजन या फिर थर्ड या फोर्थ डिवीजन में एक क्लब में वो खेल रहे थे एंड एक्चुअली वो इंडियन प्लेयर है एंड मुझे लगता है ये काफी अच्छा डिसीजन उनके तरफ से कि वो फॉरेन टीम में जाके खेल रहे हैं एंड बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहां पे। संजीव स्टालिन का एज बस 19 साल है, वो एक फुल बैक है एंड मुझे लगता है कि बहुत ही जरूरत है इंडिया को ऐसे प्लेयर्स की, क्योंकि बाहर में जब ट्रेनिंग करते हो बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है उन प्लेयर्स के साथ एंड डेफिनेटली थर्ड डिवीजन या सेकंड डिवीजन में कोई भी प्लेयर ऐसे बैठा के नहीं रखते एंड उनको डेफिनेटली प्ले टाइम दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि और भी दूसरे इंडियन यंग प्लेयर्स को अगर उनको मौका मिलता है तो आई थिंक उनको डेफिनेटली बाहर जाके जाना चाहिए एंड उनका भी जो गेम है वो डेवलप होगा बहुत ज्यादा, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइए। सो जो नेक्स्ट आ रहा है केरला वर्सेस एफसी की तरफ से। तो कोड़ो के साथ केरला ब्लास्टर्स एफसी ने इनिशियल बात शुरू किया है एंड अभी तक ये डील कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, कुछ ज्यादा दूर नहीं पहुंचा है बट हाँ इनिशियल स्टेजेस में बात शुरू किया है केरला ब्लास्टर्स एफसी ने। केरला ब्लास्टर्स एफसी इंटरेस्टेड है कोड़ो को खरीदने के लिए, क्योंकि ओगबेचे अभी के लिए तो कुछ फाइनलाइज नहीं है कि ओगबेचे कहां कौन से टीम में जाएंगे, केरला ब्लास्टर्स एफसी में रहेंगे या नहीं या फिर मुंबई सीएफ सी में जाएंगे या फिर कोई दूसरे क्लब में जाएंगे। हाँ ओगबेचे का मैं इतना बता सकता हूँ कि वो आईएसएल में रहेंगे बट कौन से क्लब में जाएंगे ये बोलना बहुत मुश्किल है। तो केरला ब्लास्टर्स एफसी ट्राई करे कि वो कोड़ो को साइन करवा पाए अपने टीम में एंड अब कोड़ो के ऊपर मुंबई सीएफसी भी इंटरेस्टेड है बट मुंबई सीएफसी से अगर बढ़िया ऑफर केरला ब्लास्टर्स देते कोड़ो को तो शायद कोड़ो केरला ब्लास्टर्स में चले जाए एंड ये केरला ब्लास्टर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट एक साइनिंग होगा, क्योंकि उस पोजीशन में अभी भी कोई प्लेयर नहीं है केरला ब्लास्टर्स के पास एंड मुझे लगता है कोड़ो ज्यादा वेज डिमांड कर रहे मैं मानता हूं बट डेफिनेटली ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, उनका आईएसएल में परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है तो मुझे लगता है कि हाँ उनको सपोर्ट रहेंगे तो डेफिनेटली आईएसएल में बट कौन से क्लब में रहेंगे अब ये देखने वाला बात है। कंपटीशन आ चुका है मुंबई सीएफसी
और केरला ब्लास्टर्स एफसी के बीच में हम लोग को देखना पड़ेगा कि कोड़ो कौन से क्लब में जाते हैं, केरला ब्लास्टर्स एफसी या फिर मुंबई सिटी एफसी। सो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वह संदेश झिंगन को लेकर, मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि संदेश झिंगन के ऊपर कुछ बोलो, कुछ कवर करो। सो संदेश झिंगन के ऊपर मैंने कुछ वीडियो पहले भी बोल दिया था, उसके ऊपर बाद में कोई अपडेट आया नहीं था, बट हम इतना बता सकते हो कि संदेश झिंगन अभी भी सोच रहे कि वो कौन से क्लब में जाएंगे, कुछ फाइनलाइज नहीं है वो कौन से क्लब में जाएंगे। अब तो चांसेस भी सब क्लब के लिए इक्वली लग रहा है क्योंकि संदेश झिंगन खुद बड़े कंफ्यूज है। अब ये पूरा चीज संदेश झिंगन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो कौन से क्लब में जाएंगे। उनके पास 5 क्लब्स का ऑफर है, एफसी गोवा, एटीके मोहन बगान, मुंबई सिटी एफसी, बेंगलुरु एफसी और उड़ीसा एफसी। एंड इन पांचों क्लब्स में से एटीके मोहन बगान, एफसी गोवा और उसके बाद मुंबई सिटी एफसी लीड करते हैं, एंड बेंगलुरु एफसी भी उसके बाद, उड़ीसा एफसी बहुत एंड में आते हैं। बड़ा चांसेस पांचों ही क्लब्स के, क्योंकि जितना मुझे लगा कि उड़ीसा एफसी ने भी बहुत ही एक बड़ा ऑफर किया है संदेश झिंगन को, एंड संदेश झिंगन इसीलिए वो सोच रहे अभी के लिए। अब कौन से टीम ने क्या ऑफर किया वो तो संदेश झिंगन को ही पता है, उनके एजेंट्स को पता है, टीम्स को पता है, बट जितना मुझे पता है कि पहले जो मैंने टीम तीन टीम्स बोले थे कि मोहन बगान, एफसी गोवा एंड मुंबई सिटी एफसी, इन तीनों टीम्स ने सबसे बड़ी ऑफर किया है। बट संदेश झिंगन के ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि वो कौन से क्लब में जाना चाहते हैं, एंड अभी के लिए कुछ फाइनलाइज नहीं है कि वो कौन से क्लब में जाएंगे। एंड संदेश झिंगन ने अभी बोला है कि वो थोड़ा सा सोचना चाहते हैं कि वो कौन से क्लब के लिए खेलेंगे। सो आई थिंक थोड़ा सा टाइम हम लोग को भी देना पड़ेगा एंड उनका डिसीजन का वेट करना पड़ेगा कि वो कौन से क्लब में जाते हैं, बट अभी के लिए कुछ ज्यादा फाइनलाइज हुआ नहीं है। बट हाँ, सारे टीम्स ने ऑफर भेज दिया है, टू सम एक्सटेंट सारे टीम्स ने एग्रीमेंट्स भी रेडी करके रखे। संदेश झिंगन जिस टीम में जाना चाहते हैं वो उस टीम में जा सकते हैं, बट अभी के लिए कोई वैसा डिसीजन या फिर कुछ ऐसा रिपोर्ट आया नहीं है। तो अभी के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि हम लोग थोड़ा सा वेट करते, देखते संदेश झिंगन कौन से क्लब में जाते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल यूएफए चैंपियंस लीग फाइनल, एंड कल ब्रायन म्यूनिख ने जीत गया यूएफए चैंपियंस लीग फाइनल 1-0 से। पीएसजी का परफॉर्मेंस अच्छा था, एंड थियागो सिल्वा जिनका कल एक्चुअली लास्ट मैच था पीएसजी का होके, उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया डिफेंडिंग किया, एक गोल कंसीड किया पीएसजी ने, बट दैट्स ओके। बट हाँ, बहुत ही बढ़िया एक मैच था, दोनों ही साइड से बहुत ही बढ़िया फुटबॉल खेला गया एंड देखने में काफी मजा आया मैच। सो मैं बोलूंगा कि हाँ, ज्यादा कुछ मैं वीक पॉइंट्स मैं नहीं बोलूंगा कि इसका कुछ वीक था या फिर उसका डिफेंस या फिर मिडफील्ड। हाँ, मैच काफी इक्वल था, दोनों ही टीम अटैकिंग फुटबॉल खेल रहे थे, जो कि मैं चाहता था, मतलब हर कोई फुटबॉल फैन चाहते कि अटैकिंग फुटबॉल हो, एंड देखने में काफी अच्छा लग रहा था। दोनों ही टीम्स काफी ज्यादा ट्राई कर रहे थे गोल करने के लिए, बट ब्रायन म्यूनिख को फाइनली एक ब्रेक थ्रू मिलता है एंड अच्छा हेडर था, एंड डेफिनेटली कल मैनुअल नोया ने जो जो सेव्स किए हैं डेफिनेटली उनको के लिए रेस्पेक्ट और बढ़ गया मेरा। इतना मतलब बहुत ही टॉप लेवल का सेव किया था मैनुअल नोया ने कल, बहुत सारे एंड एक नहीं बहुत सारे सेव्स थे मैनुअल नोया के, एंड कल एक्चुअली बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था पीएसजी के प्लेयर्स के लिए। वो दिख रहा था कि वो गोल नहीं कर पा रहे, शॉट्स अच्छा आ रहे, चार डिफेंस को भी वो ब्रेक थ्रू करके घुस रहे, बट मैनुअल नोया के ऊपर वो गोल नहीं कर पा रहे थे मैनुअल नोया को, मतलब मैनुअल नोया ने ज्यादा सब शॉट्स अगर बोल रहा हूँ सब शॉट्स एक्चुअली रोक दिया, एंड काफी बढ़िया गोल कीपिंग दोनों ही साइड से। जो एक गोल जो कंसीड किया है पीएसजी के गोल कीपर कायलर नवाज ने, वो कुछ नहीं किया जा सकता, दैट्स कंप्लीटली एम्प्टी। डिफेंसिव थोड़ा सा लैप्स, बट हाँ अगर डिफेंसिव लैप्स नहीं होगा तो गोल कैसे होगा। बट हाँ, डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया मैच, नेमार, एम्बापे, डिमारिया सबने अच्छा ट्राई किया। डिमारिया को एक चांस मिला था बट वो कन्वर्ट नहीं कर पाए, एंड लेवांडोव्स्की का एक शॉट शुरू के मोमेंट में बाढ़ में लगा था, तो बट इट्स ओके। मैच अच्छा था, देखने में मजा आया, एंड डेफिनेटली फाइनल जैसा होता है वैसा ही था, काफी एक्साइटिंग मैच था। कब गोल होगा किसी को कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि दोनों ही टीम बहुत अटैकिंग खेल रहे थे। सो कांग्रेचुलेशन टू ब्रायन म्यूनिख फॉर बिकमिंग द सिक्स टाइम यूएफए चैंपियंस लीग विनर, सो काफी बढ़िया, एंड पीएसजी के लिए फर्स्ट टाइम था। शायद इन फ्यूचर वो और भी फाइनल्स खेले एंड जीत जाए, बिकॉज नेमार को देखकर मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगा यार, बट ठीक है, इट्स अ गेम एंड जो डिजर्व करता है वो चैंपियन होगा। बट हाँ, दोनों ही टीम शायद डिजर्व करते थे, उसके ऊपर मैं नहीं बोलूंगा। सो जो नेक्स्ट चीज आ रहा है थियागो सिल्वा के ऊपर, तो चेल्सी थियागो सिल्वा को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है एंड बहुत ज्यादा क्लोज है, तो चेल्सी शायद थियागो सिल्वा का साइनिंग कंप्लीट कर ले बहुत ही जल्दी, एंड थियागो सिल्वा हम लोग शायद देख पाए थियागो सिल्वा को चेल्सी में, जो कि चेल्सी के लिए काफी बढ़िया चीज है, क्योंकि चेल्सी का जो डिफेंस है वो ऑलरेडी वीक है। चिलविल तो है, बट चिलविल एक्चुअली बैक, मतलब जो फुल बैक उस पोजिशन में खेलते हैं, एंड थियागो सिल्वा एक सेंट्रल बैक है। मैंने लास्ट में ही बोला कि पहले जो मैंने यूएफए चैंपियंस लीग में ही बोल दिया था कि थियागो सिल्वा का डिफेंस बहुत बढ़िया है, एंड डेफिनेटली चेल्सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो थियागो सिल्वा जैसे प्लेयर का साइनिंग कंप्लीट करे, क्योंकि उनको डिफेंस में अच्छे प्लेयर्स चाहिए, क्योंकि इस साल उनके डिफेंस में बहुत सारा एरर था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थे उनके डिफेंस में, जिसके कारण उनको काफी सारे मैचेस भी वो हार गए। तो मुझे लगता है कि हाँ, चेल्सी को एक डिफेंडर चाहिए एंड थियागो सिल्वा एक प्रॉपर ऑप्शन है, कि अगर चेल्सी थियागो सिल्वा का साइनिंग कंप्लीट करवा पाते तो बहुत ही बढ़िया चीज होगा चेल्सी के लिए, बट देखते ये
साइनिंग कम्प्लीट होता है नहीं, बाय द वे साइनिंग बहुत क्लोज है क्योंकि थियागो सिल्वा का कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो ही चुका है, वो अभी के लिए एक फ्री एजेंट है। अब देखते हैं थियागो सिल्वा चेल्सी में जाते हैं या फिर कोई दूसरे क्लब में। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइए। सो बस गाइस आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा एंड कमेंट कीजिए एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का फॉलो करना इंस्टाग्राम में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब के लिए बाय।